अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरे एक न्यू वीलॉग में जो है वो आप सबको वेलकम करती हूँ। अच्छा, बेसिकली आज जो है मेरा वीलॉग जो है जो मैंने सोचा कि आज जो है आफ्टर वर्किंग जो है अपनी जो कलीग्स कम फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो है वो एक आउटिंग पर जाने का जो है मेरा प्लान है, बल्कि लंच करने का प्लान है, थोड़ी सी मस्ती भी कर लेंगे। सो आई थॉट कि क्यों ना इन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को जो है वो एक वीलॉग में कैप्चर किया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सो मेरा आज का वीलॉग जो है इट्स ऑल अबाउट आउटिंग विद फ्रेंड्स एंड फन विद फ्रेंड्स आफ्टर ड्यूटी, काम के बाद। सो इसलिए मैं जल्दी से सुबह सुबह उठी हूँ, अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ, वैसे तो अर्ली मॉर्निंग ही उठती हूँ लेकिन उससे भी ज़्यादा थोड़ा पहले उठी हूँ, और उठ के मैं जल्दी से जो है वो बाथ भी मैंने ले लिया है, कपड़े भी पहन लिए हैं, तो जल्दी से तैयार होते हैं और निकलते हैं और काम के बाद करते हैं एंजॉय। सो एवरीवन, आई एम फुली रेडी, एज यू कैन सी मैं तैयार हूँ। तो अब जो है बैग का मुंह भी खुला है, दूसरा बैग रखा है मैंने पार्ट जो है वो आउटिंग के लिए। सब चलें, चलते हैं काम पे और फिर वहाँ से चलते हैं आउटिंग पे। अभी रोड पे जाते हुए अभी मैंने देखा कि एक बाइक थी, बच्चों की स्कूल जा रही थी और उसका कोई दरमियाने से, वो कहते हैं ना, मिडिल साइज का भाई जो था वो चला रहा था एंड बाकी जो थे उसके छोटे बहन भाई वगैरह जो थे उसके बैठे हुए थे। तो वो बाइक जो थी वो गिर गई, मतलब वो कहीं वो टूटी हुई थी और वो बैलेंस नहीं कर पाया, क्योंकि यंग एज में आप साइकिल वो जो है बाइक ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो बैलेंस नहीं कर पाया, वो गिर गए। तो मेरी ऐसी हेल्थ प्रोफेशनल जो है आज फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव लिया, सो आई थॉट कि मुझे अपने व्लॉग में ये भी चीज़ जरूर ऐड करनी चाहिए। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक कर खाली तमाशा नहीं देखा, जस्ट हम अक्सर देखते हैं लोग स्पेक्टेटर्स, बल्कि मैंने उनको जो है मशवरा दिया कि अगर इनको कट लगाया तो इनको टेटनस का इंजेक्शन मास्क लगवाएं। अच्छा, तो हम लोग अब सब बैठ के, बल्कि हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं, तो सारे एक दफा हाय कर दें। बाय। ओके, सो सी यू एट द वेन्यू। ओके जी, तो फाइनली वी हैव रीच एट टेनरिफ कैफे। तो सब ऊपर गए हैं, चलो सब अपस्टेयर्स गए हैं, तो हम भी अब अपस्टेयर्स ही जा रहे हैं। एम्बियंस तो बहुत कूल लग रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। यार, आई एम इन लव विद दिस पेंटिंग्स। ओके जी, और सब हम बैठ चुके हैं, सो अब मैं उनकी तरफ जा रही हूँ। सो लेट्स सी। ओके, दिस चेयर्स आर वेरी गुड, आई थिंक यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, तो मैं सबको थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी। वाओ, क्वाइट रोमांटिक, पर दोपहर में फील नहीं आता वो वाला। सो चलें डेस्टिनेशन।
सो हमारा फूड सो ओके हमारा फूड आ गया है. हम लोगों ने एक्चुअली खाना स्टार्ट कर दिया था सो बाकी लोग अभी खा रहे हैं. इसका पेड़ा भी है एंड दिस इज सो यम्मी एंड टेस्टी है. ओके जी तो हम लोगों ने कोक मंगाई है और इन्होंने जो है वो लेडी इन रेड. ओ माय गॉड बहुत मज़े का लग रहा है और बाकी सबके मिंट पाक बेटा सर. ओके जी ना वो खाना आ गया है जिसके लिए आए थे तो आप मुझे कुछ भूल गए हैं. मैं एक्चुअली भूल भी गई थी कि वीडियो भी बनानी है. सो आई जस्ट फॉरगॉट की वीडियो भी बनानी है तो बहुत लगी थी तो बीच में आ रहा है तो अब जो बचा हुआ वही खा दिया. सो सब कुछ खाना शाना वाइंड अप हो गया है हमारा. ओके जी एवरीवन तो ये था मेरा आज का व्लॉग जिसमें मैंने बहुत अरसे बाद अपनी सम फ्रेंड्स के साथ जो है वो आउटिंग की और जो है हम टेनरिफे कैफे में आए. बहुत अच्छा लगता है मैंने जो है व्लॉग किया बहुत मज़ा आया और आई होप मेरे व्लॉग में भी आपको बहुत मज़ा आया होगा. थोड़ी कमी थी इसकी क्योंकि मैंने ज़्यादा मैंने कैप्चर नहीं किया कुछ थोड़ी मेरी फ्रेंड्स की रिजर्वेशन थी इसलिए ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाई. बताने में आपको मज़ा आया होगा और मुझे भी बहुत मज़ा आया. तो अगले व्लॉग में मिलते हैं तब तक मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी रहेगा ही उम्मीद कर दीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे